अगर रोज रात के समय आपकी नींद अचानक रात 3 बजे के करीब खुल जाती है तो इसका कारण जानने का विशेष महत्व होता है। रात के 3 से 5 बजे के बीच नींद के खुल जाने को दैवीय शक्तियों के लक्षण माना जाता है, जो आपको कुछ संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। यदि आपको रोज इस समय जागने की अनुभूति होती है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको भगवान की उपासना और ध्यान में लगने की आवश्यकता है। इस समय में आपको अपने इष्ट देवता की पूजा और भगवान का जाप करने के लिए समय निकालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शक्तियां आपको अपने पास आने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। सुबह 3 बजे से 4:30 बजे के बीच का समय देवताओं का समय माना जाता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजर चिराग बेजान दारूवाला के मुताबिक, अगर आप रोजाना इस समय अपने आप जाग जाते हैं तो यह दैवीय शक्ति की एक संकेत हो सकती है। इस अनुभव से आपको यह अनुभूति हो सकती है कि दिव्य शक्तियां आपको इस समय में जागने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इस समय में आपकी पूजा सीधे भगवान की ओर पहुंचती है और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम देख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला रात्रि के अंतिम प्रहर का 3रा भाग होता है। इस समय को धर्मशास्त्रों में निद्रा का त्याग करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यहां ब्रह्म का अर्थ है परम तत्व और मुहूर्त का अर्थ है अनुकूल समय। अमृत वेला को अमृत के समय भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो जीव को अमृता प्रदान करता है। यह समय चिरंजीवी बनाने या अमृता देने का समय माना जाता है। इस समय में योगाभ्यास आत्मा को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराता है, जो अमृत पीने वाले को अनुभव होता है। अमृत वेला वह समय होता है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं, और जो उस अमृत को नहीं पी पाता उसे आनंद नहीं मिलता। अमृत वेला के समय इस आकाश में, उस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक स्पंदन बहुत तेजी से प्रवाहित होते हैं, क्योंकि उस समय नकारात्मक स्पंदन सो रहे होते हैं और उस समय सकारात्मक स्पंदन जाग रहे होते हैं। रात को 3 बजे उठना गलत है, क्योंकि प्रातः 3 से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय मन पूरी तरह से शांत और आसानी से एकाग्र हो सकता है। यह समय आपको ईश्वर से जुड़ने और अपने अच्छे विचारों को अपने जीवन में कैसे लाया जाए, इस पर विचार करने का अवसर देता है। रात को 3 से 5 बजे उठने का मतलब है कि आपका गुरु, आपका ईश्वर और ईश्वरीय शक्तियां चाहती हैं कि आप जाग जाएं और उन्हें याद करें। इस समय आप भगवान का जब ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। यह समय उस आत्मिक आनंद की अनुभूति कराता है जो अमृत पीने वाले को मिलती है। इस समय में सकारात्मक स्पंदन बहुत तेजी से होते हैं, जो आपको आनंद और शांति का अनुभव कराते हैं। आपकी स्वास्थ्य वर्धक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए और भक्ति में वृद्धि के लिए सुबह उठकर पूजा करने से आपके शरीर में कई शक्तियों का वास होने लगता है। ये सभी संकेत दैवीय शक्ति द्वारा दिए जा रहे हैं, जो कि अप्रोक्ष रूप से आपकी उत्थान को प्रेरित करती हैं। समय हमें भगवान की शक्ति और कृपा का अनुभव कराता है, और उसका उपयोग भी वहीं किया जाता है जहां उसकी कृपा की आवश्यकता होती है। इसलिए समय भगवान के भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो भगवान की आराधना और सेवा में व्यतीत किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व अद्वितीय है। यह समय आनंद, शांति और आत्म साक्षात्कार के लिए अद्वितीय मौका प्रदान करता है। इस समय में भगवान की प्रतीति और साकार उपस्थिति की अनुभूति होती है, जिससे आत्मा को शक्ति और प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना और उस समय ध्यान और पूजा करना अत्यंत शुभ होता है, जो हमें आत्मिक ऊर्जा, शक्ति और संतुलन प्रदान करता है।